पैसिफिक ओशन में गांव माइलैंड से 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ समंदर का वो हिस्सा आता है जहां ओशन का डीपेस्ट पॉइंट मौजूद है। इस पॉइंट को मरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। मरियाना ट्रेंच समंदर में मौजूद एक बहुत बड़ा कर्व डेंट है। इसकी लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इस ट्रेंच में हमारी दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप से भी 11,000 मीटर नीचे मौजूद है। ये वो गहराई है जहाँ तक इंसान आज तक जा पाया है। 1872 से लेकर 1972 के बीच HMS चैलेंजर नाम की एक ब्रिटिश शिप पैसिफिक ओशन के अलग अलग हिस्सों की गहराई नाप रही थी। शिप पर मौजूद एक्सप्लोरर्स ने 1 किलोमीटर लंबी रस्सी का इस्तेमाल किया। इस पर वो भारी वजन को बांधकर समंदर में डालते थे और समंदर की गहराई नापते थे। पर तभी चैलेंजर शिप के साथ कुछ अजीब हुआ। मरियाना आइलैंड के करीब जब रिसर्चर्स मेजरमेंट कर रहे थे तो इनकी 1 किलोमीटर रस्सी पूरी पानी में डूब चुकी थी और अभी वो समंदर के बॉटम तक नहीं पहुंची थी। उन्होंने एक और 1 किलोमीटर की रस्सी को पिछली रस्सी के साथ बांधा और फिर से समंदर में डालना शुरू किया। कुछ ही देर में वो रस्सी भी पूरे तरीके से पानी में डूब गई। उन्होंने रस्सी को लंबी से लंबी किया और पानी में डाला, लेकिन अभी भी वो बॉटम तक नहीं पहुंची थी। पूरी 11 रस्सियां डालने के बाद आखिरकार वो बॉटम तक पहुंच गई। समंदर के हिस्से की गहराई 4-5 नहीं बल्कि पूरे 11 किलोमीटर थी, जहां माउंट एवरेस्ट जैसा पहाड़ भी फिट आ सकता था, और उसके बाद भी ये 2 किलोमीटर मजीद गहरी थी। इस 11 किलोमीटर गहरे और 2550 किलोमीटर लंबे और 69 किलोमीटर चौड़े समंदर के इस डीपेस्ट पॉइंट को मरियाना ट्रेंच का नाम दिया गया। मरियाना ट्रेंच की इस गहराई में खौफनाक अंधेरा, खाने की कमी, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी 1000 गुना ज़्यादा प्रेशर इस बात की गवाही देता था कि यहाँ किसी भी क्रिएचर का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। ये प्रेशर इतना ही है कि भारी वजन वाले हाथियों का एक झुंड इंसानों पे खड़ा कर दिया जाए, लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ ज़िंदगी पाई जाती है। मरियाना ट्रेंच की डिस्कवरी के 80 साल बाद जब रिसर्चर्स ने फाइनली यहाँ जाने की हिम्मत की तो यहाँ ऐसी ऐसी खौफनाक चीज़ें देखने को मिली जिन्होंने सभी को हैरान कर दिया था। मंदिर के इस पॉइंट पर ऐसे क्रिएचर्स पाए गए थे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। इन्हीं में से है एंगलर फिश। इस मछली को सी डेवल के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 3 से 4 फुट होती है और इसका वजन 32 किलोग्राम तक होता है। ये समंदर की इन गहराइयों में रहती है जहाँ इंसानों का जाना बहुत मुश्किल माना जाता है। इस मछली के सर पर एक रॉड लगा होता है और उस पर नीले रंग की रोशनी नज़र आ रही होती है। ये मछली अपनी मर्जी से जब चाहे अपनी रोशनी को जला और बुझा सकती है। ये इस रोशनी को जलाने के लिए अपने ब्लड वेसल्स को एक्सपेंड कर लेती है और जब ज़्यादा ऑक्सीजन रॉड तक पहुँचती है तो ये रोशन हो जाता है। इसी तरह इस रोशनी को बंद करने के लिए मछली अपने ब्लड वेसल्स को नैरो कर लेती है, जिससे नीली रोशनी बुझ जाती है। ये अपने शिकार को फंसाने के लिए इस रोशनी का इस्तेमाल करती है। जब कोई दूसरी मछली इस रोशनी को देखकर आती है तो ये एक झटके में उसका शिकार कर लेती है। इन्हीं गहराइयों में सी कुकंबर नाम का एक क्रिएचर मौजूद है जो 6 फीट इंसान जितना लंबा और 2500 ग्राम वजनी होता है। सी कुकंबर इंसान के लिए इतना खतरनाक नहीं होता और ये अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा समंदरी फर्श पर रेंग कर गुजार देता है। मरियाना ट्रेंच में मछली की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जिसे बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश कहा जाता है। इस मछली को 2016 में एक एक्सप्लोजन के दौरान समंदर की 4 किलोमीटर गहराई में दरियाफ्त किया गया था। सबमरीन पर लगे कैमरों ने इस अजीब मखलूक को कैप्चर किया था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये मछली खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई ख़तरनाक है। इस मछली के सर में रेड और येलो रंग के शाइनिंग ऑर्गन्स होते हैं। मरियाना ट्रेंच में चुनिकेट्स की एक ऐसी स्पीशी मौजूद है जिसे प्रीडेटरी चुनिकेट कहा जाता है। ये क्रिएचर समंदर में पाया जाता है और ये क्रिएचर इसके पास से गुजरता है तो ये मुंह में इसे बंद कर लेता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये क्रिएचर आज से 550 मिलियन ईयर पहले इस दुनिया में मौजूद है। क्रिएचर के पास दिमाग और बैकबोन होती है और हैरत की बात यह है कि ये अपने दिमाग को स्विच ऑफ भी कर सकता है। समंदर की इन गहराइयों में जायंट ग्रेनेडियर नाम की एक मछली पाई जाती है। कीड़े की तरह आंखों वाली ये मछली 7 फुट तक लंबी होती है। ये क्रिएचर ज़्यादातर समंदरी फर्श के करीब पाए जाते हैं जो ज़मीन के सरफस पर आहिस्ता आहिस्ता तैर कर अपने शिकार को तलाश करते हैं। ये मछली अपनी हिफाजत के लिए बहुत ही बदबूदार केमिकल का इखराज करती है ताकि कोई भी इसके करीब ना आ सके। ये मछली 70 साल तक जिंदा रह सकती है। पिछले 400 मिलियन सालों में समंदर में एक ऐसा क्रिएचर रह रहा है जिसे बेसल घोस शार्क के नाम से जाना जाता है। इस क्रिएचर को डीप सी एक्सप्लोजन के दौरान डिस्कवर किया गया था। ये घोस शार्क 3 से 4 फुट लंबी और 3 से 4 केजी तक वजनी होती है। इसके अलावा यहाँ वाइपर फिश नाम की भी एक मछली पाई जाती है जिसके मुँह में तेज़ धार खतरनाक दांत होते हैं। ये मछली 30 से 40 साल तक जिंदा रह सकती है। मरियाना ट्रेंच में 9 किलोमीटर की गहराई पर स्नेल फिश नाम की एक मछली पाई जाती है। ये अभी तक डिस्कवर्ड होने वाली वाहिद क्रिएचर है जो समंदर के डीपेस्ट पॉइंट में पाई गई है। इस मछली को 2022 में डिस्कवर्ड किया गया था। ये कुदरती तौर पर दुनिया की सबसे मजबूत क्रिएचर मानी जाती है। फिर चाहे इस पर हाथियों का एक झुंड खड़ा कर दिया जाए, फिर भी इसके जिस्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
12 इंच लंबी 3 इंच मोटी ट्रांसपेरेंट बॉडी वाली ये मछली अपने जिस्म पर बर वक्त 170,000 केजी वज़न बर्दाश्त कर रही होती है और ये वज़न बोइंग 777 के वज़न से भी कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा भी मरियाना ट्रेंच में बहुत सी किस्म की ऐसी मखलूक मौजूद है जिसे अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।